ने भारत के लिए नई मेरिडियन 3-रो एसयूवी का खुलासा किया है। बिल्कुल नई पेशकश कंपस एसयूवी पर आधारित है और इसमें एक लंबा व्हील बेस, नया डिजाइन और पीछे एक तीसरी रो को जोड़ा गया है। जीप मेरिडियन 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी जो 170 bhp और 350 Nm बनाता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल या 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। कार 4 व्हील ड्राइव विकल्प के साथ भी आएगी। जीप मेरिडियन में टेरेन मोड के साथ साथ स्वतंत्र सस्पेंशन भी मिलेगा। एसयूवी को स्थानीय रूप से भारत में बनाया जाएगा और जून में कार बाजार में लॉन्च की जाएगी। Volkswagen इंडिया ने पुणे में अपने चाकन प्लांट में नई वर्टुस कॉम्पैक्ट सेडान के रोल आउट की घोषणा की है। कार भारत 2.0 परियोजना के तहत कंपनी की दूसरी पेशकश है और ये MQB AO इन प्लेटफॉर्म पर 95% देसी पुर्जों के साथ बनी है। वर्टुस अपनी श्रेणी की सबसे लंबी कार है और इसमें 521 लीटर का बूट स्पेस है। ये 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ कई सुरक्षा सुविधा और कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगी। नई वर्टुस के लिए प्री बुकिंग शुरू हो गई है और इसे ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। रोल्स-रॉयस स्पेक्टर ब्रिटिश कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी और अब इस आगामी एसयूवी का आर्कटिक सर्कल के पास शीतकालीन परीक्षण शुरू हो गया है। स्पेक्टर ईवी के पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण -26 डिग्री और -40 डिग्री के बीच किया जा रहा है। इसमें NVH टेस्ट, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम के टेस्ट शामिल है। कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि स्पेक्टर ईवी ने 500,000 किलोमीटर से अधिक का परीक्षण पूरा कर लिया है, जो कुल लक्ष्य का 25% है। नई स्पेक्टर ईवी 2023 में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगी और ये भविष्य में भारत भी आएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।